सर, 2000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए हैं, इससे व्यापार और व्यापारियों पर कितना फर्क पड़ने वाला? 2000 के नोट चलन से बाहर नहीं कर दिए गए। 2000 के नोट को सरकार ने अब दोबारा जारी करना बंद कर दिया है। सरकार उसको कलेक्ट कर रही है और बैंक से भी जो है बैंक के माध्यम से भी बैंक में जमा होंगे पैसे। जो भी 2000 के नोट वो बैंक में जमा होंगे। 23 मई से केवल मात्र 20,000 रुपए की एक बार में अमाउंट बैंक लेगी। और अभी तो डेली बैंक को जितना भी जिसके पास 2000 का नोट हो वो अपना जमा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2000 के नोट को ये कहाँ खबर दी है सरकार ने कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है? नोट नहीं बंद चलन से किया। बाहर है। नहीं, कहाँ चलन से बाहर है, लीगल टेंडर है। अभी 2000 का नोट लीगल टेंडर है, आप उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी को दे सकते। 2023 के बाद आप नहीं खरीद सकते ना फिर? 30 सितंबर के बाद। हाँ, तो अभी 30 सितंबर तक का टाइम गवर्नमेंट ने दिया कि उसको आप अपने बैंक में जमा करके उसके बदले में 500 के, 200 के, 100 के जो भी नोट लेना चाहे उसके बदले में वो टेंडर से ले सकते हैं आप वापस। 2000 का नोट जमा करिए 23 मई से, प्रतिदिन एक बार में 20,000 रुपये बैंक में दे करके उसके बदले में 500 के, 200 के, 100 के नोट ले सकते हैं। क्या 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 कारण रहा, कुछ आपको क्या लगता है कि ये 2000 के नोट को ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि एक बार तो चलाया गया, फिर दोबारा बंद इसको इस तरह से कर दिया गया है, लीगल देखिए, टेंडर ही है, तो कैसे क्यों? इसका इसका सबसे बड़ा कारण है कि 2000 के नोट बंद करने का सबसे बड़ा जो तात्पर्य है सरकार का वो ये है कि नकली करेंसी ना चले। इतनी ज्यादा मात्रा में नकली करेंसी चलाने का विदेशी जो हमारे पड़ोसी जो हमारे मुल्क हैं जो भारत से शत्रुता रखते हैं और जो हमारी अर्थव्यवस्था खराब होते हुए देखना चाहते हैं वो नकली नोट की खेप भेज देते हैं, नकली नोट चलने लगते हैं बाजार की, हमारे भारत की देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है। अगर 2000 का नोट सरकार ने बंद करने का सोचा है तो जरूरी कुछ अच्छे ही के लिए सोचा होगा। और 2000 का नोट बंद होने से किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार उसको पूरी तरह ले ले रही है। ऐसा नहीं है कि किसी का धन बर्बाद हो जा रहा हो, व्यापार पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही आराम से व्यापार चलेगा, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। जिसको पैसे को लेन देन करना 500 के, 200 के, 100 के, जितनी भी करेंसी जिस करेंसी भारत में वैध है सरकार के द्वारा उससे अपना लेन देन करेंगे, व्यापार से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। व्यापारी को उसमें घबराने की जैसे कोई बात भी नहीं। जो भी नोट है वो चल रहे हैं बाजार में, अभी भी 2000 का नोट चल रहा है। बिल्कुल भी घबराहट की जैसी स्थिति, पैनिक नहीं किया गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी इस बात को लेकर के कि आप 2000 के नोट आज रात से ही बंद हो गए, कल से ही नहीं चलेंगे, बैंक में जमा कर दीजिए या इतने ही रुपए के उसमें मान्य होंगे, ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी किसी को परेशान करने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। गवर्नमेंट का निर्णय बहुत ही सही है, मैं इस निर्णय के पक्ष में सहमति देता हूं। मैं इससे सहमत हूं कि 2000 का नोट बंद हो गया, उससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। नकली नोट जब चलने नहीं बंद हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था तो जाहिर सी बात है मजबूत होगी ना। मतलब सरकार हो सकता है 2000 का नोट बंद करे, कोई और संख्या में नोट जारी करे, किसी और संख्या में, हो सकता है 1000 में या जिस भी संख्या में गवर्नमेंट ने निर्धारित किया उसमें चालू करे, जारी करे, नहीं चालू जारी करेगी तो भाई 500 का नोट तो चलन में है ही है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, 50 का है, 20 का है, 10 का, हर तरीके की करेंसी अवेलेबल है। आजकल तो नेट बैंकिंग का जमाना, आदमी को पैसे की जरूरत कहाँ पड़ रही है आप ये बताइए। सब कुछ तो ऑनलाइन है, मोबाइल में पैसा है, बैंक में पैसा है, कार्ड में पैसा है, तो नोट के बंद हो जाने से उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। 30 सितंबर के बाद जो वैध नहीं रहेगा उससे मार्केट पे बिल्कुल भी असर नहीं आएगा व्यापार पे, बल्कि अर्थव्यवस्था मजबूत करने के दिशा में जो सरकार का निर्णय है ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है। ये तो और पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जानते हैं अगर हमारी सरकार इसको पहले ही कर देती, हमारे विपक्षी पार्टियां जितनी हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं सब इस बात को लेकर प्रोपेगेंडा खड़ा कर देते कि लीजिए साहब इन्होंने तो 2000 का नोट बंद कर दिया और अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और ये है और वैसा है, ऐसा है, दुनिया भर के आर्गुमेंट्स लगाते गवर्नमेंट पे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट किसी को भी असुविधा नहीं देती है, सबकी सुविधा को देख करके कार्य करती है। मान लीजिए 5 साल से ज्यादा समय हो गया ना 2000 के नोट को मार्केट में आए हुए, इतनी बड़ी करेंसी जो गवर्नमेंट ने दी थी मार्केट में पब्लिक को रिलैक्स रखने के लिए कि चलिए भाई ठीक है आप अपना उसको लेकर के अपना बड़े कारोबार को, कुछ भी बड़े काम को कर सकते हैं। लेकिन अब तो बड़ा काम सारा ऑनलाइन हो गया, नेट बैंकिंग से हो गया, बैंक से हो गया, मोबाइल से हो गया, सब चीज तो अब उसमें चला गया, तो इस नोट की क्या जरूरत रहेगी, क्या अहमियत रहेगी? तो सिर्फ 2 नंबर को बढ़ावा देने वाला काम हो गया, काले धन को बढ़ाया बढ़ावा देना हो गया, नकली नोट के चलन को बढ़ावा देना हो गया। तो 2000 का नोट चले ही क्यों भाई? जिस चीज से गलत काम हो रहा है, नकली नोट चला रहे हैं, काला धन लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब तो बंद हो जाएगा ना। अब उनको तकलीफ होगी जिनके काले धन डूबेंगे,
नहीं चल पाएंगे, जो नकली नोट का कारोबार करते थे उनका काम नहीं चल पाएगा, तकलीफ तो उनको होगी ना, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। हम तो यही मानकर के चलते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। 2000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए हैं, व्यापार और व्यापारियों पर कितना फर्क पड़ने वाला? बहुत ज्यादा तो फर्क पड़ने वाला हमको नहीं लग रहा है। एक्चुअली 2000 के नोट जो है एक हिसाब से कहिए तो ब्लॉक मनी हो गई थी। अब वो ब्लॉक मनी जो है गवर्नमेंट ने एक सरूपा छोड़ के उस ब्लॉक मनी को जो है प्रचलन में लाने की कोशिश की है, और मनी आज भी वो सर्कुलेशन में है जो है, और अभी वो कह रहे हैं कि बाद में हम 23 तारीख से 21 तारीख से उसको फिर बदलेंगे, और वो भी अकाउंट में तो आदमी अभी अपने खाते में तो डाल ही सकता है, तो वो अभी तो उसकी टेंडर वैल्यू है ही है। गवर्नमेंट RBI भी कह रही है कि वो चलन में रहेगा, तो बहुत ज़्यादा व्यापार पे मेरे ख्याल से तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये वैसे भी मनी जो है अंडरग्राउंड हो रखी थी, गवर्नमेंट ने एक हिसाब से ये करके उस मनी को बाहर निकाल दिया। क्या लगता है क्या कारण है कि सरकार ने आज जो है 2000 का नोट पर ऐसा पाबंदी लगाया? वही हमने बताया ना कि हमको लगता है कि वो मनी जो ब्लॉक हो गई थी उसको चलन में लाने की कोशिश की है, और वैसे भी एक अर्थशास्त्री ने कहा भी है कि ब्लैक मनी इज ब्लैक मनी। एक्चुअली जो मनी सर्कुलेशन में है भले किसी ने उसको थोड़ा टैक्स बचाया हो उस पर कर लिया हो, तो हमको लगता है कि गवर्नमेंट की मंशा यही रही होगी कि जो मनी ब्लैक हो गई है उसको हम सर्कुलेशन में ले आए। आज भी हम गए थे बैंक, थोड़ा सा दो नोट 2000 के आए थे जमा किए बैंक में, तो बहुत से लोग जो है 2000 के नोट लेके आए थे बैंक में जमा कर रहे थे। अब लोगों में हड़बड़ी हो गई, भाई जमा करो जो है। क्या नाम है सर? अतुल अग्रवाल मेरा नाम है, मैं भी गोरखपुर किराया कमेटी का मंत्री हूँ, सेक्रेटरी। इस महीने के 23 तारीख से बंद हो जाएगी 2000 के नोट, क्या कुछ कहना चाहें व्यापारियों पर, क्या फर्क पड़ने वाला? नहीं, नोट 2000 का बंद नहीं किया है, इसको RBI ने कहा है कि आप 20,000 रुपया 10 नोट अपने नजदीकी ब्रांच से बदल लीजिए, और बाकी का पैसा जो है वो बैंक जमा करेगी। हमारे पास जो भी पैसा आएगा वो चलन में है, चलन में बंद नहीं किया गया है। उस पैसे को जो हमारे पास आएगा हम भी उसको बैंक में जमा करने की कोशिश करेंगे, तो उसको जमा करा दें। इसमें व्यापारियों को कितना इसमें कोई व्यापार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा पहले से ही चलन में नहीं था, ये मार्केट से आउट होके अस्थायी तौर पर लोगों के घरों में चला गया था। अब वो पैसा निकल के आएगा बैंकों में, तो चलन में आ जाए बैंकों में आएगा, उसकी जगह जो भी पैसा निकलेगी वो चलन में आ जाएगा। और क्या मानते हैं सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? ये तो सरकार ने अपना कदम उसको ब्लैक मनी के रूप में माने कि सरकार ने कि 90% पैसा 2000 का नोट चलन में नहीं है, वो बाहर हो गया, उसको निकालने के लिए सरकार ने उस पैसे को बंद कर दिया कि इससे जो है ब्लैक मनी है। नाम गोपाल जायसवाल, महामंत्री गोरखपुर।